चमोली गोपेश्वर मंडल उखीमठ कुंड हाईवे पर 4 अगस्त से 5 अगस्त को सुबह 8 बजे तक वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। इसका कारण यह है कि गोपेश्वर के समीप सगर गांव की आराध्या देवी मां चंडिका की दीवारा यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा से पहले क्षेत्र के सीमा बंधन कार्यक्रम का आयोजन होना है। इस आयोजन में किसी भी भारी व्यक्ति के साथ ही स्थानीय व्यक्ति को आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाती है। स्थानीय जो लोग हैं, आयोजक मंडल है, उन्होंने चमोली जिला प्रशासन को इस संबंध में अवगत कराया है, पत्र दिया है। इसके साथ ही यह जो हाईवे है, ये रुद्रप्रयाग जनपद के गांवों को भी जोड़ता है, रुद्रप्रयाग जनपद के उखीमठ क्षेत्र को जोड़ता है। लिहाजा रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन को भी इस संबंध में लिखा गया है आयोजक मंडल की ओर से। ये सीमा बंधन कार्यक्रम, ये मंत्रों का जो मंत्रों के घेर बार सीमा बंधन किया जाता है क्षेत्र में, यह कार्यक्रम क्षेत्र की खुशहाली के लिए और अच्छी फसल के लिए किया जाता है। सीमा बंधन कार्यक्रम के बाद क्षेत्र में चंडिका माँ की दीवारा यात्रा शुरू होगी। सगर गांव के जो आयोजक मंडल है, उनका उन्होंने बताया कि 4 अगस्त को सुबह 8 बजे से 5 अगस्त को सुबह 8 बजे तक क्षेत्र में सभी जो बाहर से आने वाले लोगों की आवाजाही बंद रहेगी। यह हाईवे इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अनुसुईया माता संतान दायिनी अनुसुईया माता मंदिर के साथ ही चतुर्थ केदार रुद्रनाथ और तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर को जोड़ता है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु इन मंदिरों के दर्शनों को पहुँचते हैं, लेकिन 4 और 5 तारीख को स्थानीय ग्रामीणों की ओर से जो यहाँ पर सीमा बंधन कार्यक्रम किया जा रहा है, इसके तहत यहाँ पर आवाजाही बंद रहेगी, जिससे तीर्थयात्रियों को रुद्रप्रयाग से होते हुए अन्य स्थलों से, अन्य जो वैकल्पिक मार्ग हैं उनके उनसे होते हुए इन तीर्थस्थलों पर जाना होगा। मैं प्रमोद सेमाल, अमर उजाला डिजिटल के लिए गोपेश्वर चमोली से। मेरा नाम है जगमोहन सिंह बिष्ट। जो चंडिका देवरा यात्रा आप लोग कर रहे हैं, कहाँ पे ये चीज़ें होंगी और क्या कुछ इसका महत्व है और क्या कुछ बंदिशें रहेंगी इसमें? इसमें तो ये है, सबसे पहले बंदीकरण होना है इसकी, ये बाउंड्री इसको बोलते हैं हमारे यहाँ किल्लड़ मंदन, ये जो है परसों 4 तारीख को होना है, जिसमें कि कोई लोग जो है ये ना तो इस क्षेत्र से बाहर जाएगा ना तो कोई अंदर आएगा। जो पलंग होगा जिसमें केर पड़ेगी हमारी, उसको जो है कोई भी नहीं तोड़ेगा। कितने वर्षों बाद लगभग की? ये तो 100 वर्ष से ऊपरी हो गया, लगभग 100 वर्ष तो निश्चित रहो। ये राजा सगर की तपस्थली है और जो ये देवरा यात्रा अक्टूबर माह में प्रस्तावित है, ये राजा सगर की कुल आराध्या देवी चंडिका देवी है और ये लगभग 100 वर्ष बाद जो है यह कार्यक्रम इस तपोभूमि में प्रस्तावित है और इस कार्यक्रम निमित्त पूरे गांव में, पूरे क्षेत्र में काफ़ी उल्लास और उमंग का माहौल बना हुआ है और इसके निमित्त 4 और 5 अगस्त को 24 घंटे के लिए इस क्षेत्र में पूरी तरह आवाजाही बंद रहेगी, क्योंकि यह एक विधि विधान है क्षेत्र की रिद्धि और सिद्धि के लिए। देवरा यात्रा से पूर्व जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है उसके निमित्त पूरे क्षेत्र में कील बंधन पूजा अनुष्ठान धार्मिक कार्यक्रम का महत्व है और इसी निमित्त जो है 24 घंटे के लिए यह कार्यक्रम 4 और 5 अगस्त को बंद रहेगा और उसके बाद जो है आगे बहुत बड़ा दिव्य और भव्य कार्यक्रम इस तपोभूमि में प्रस्तावित है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।